यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? सुनो, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो पीछे क्या बचेगा, और इसमें से इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है ना। ध्यान से देखते रहना, इन दोनों का किया है ना। बोलो बच्चा, सुनो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए की पावर फोर करके जो कॉमन निकला वही सेम चीज इन दोनों को करेंगे तो भी निकलेगा। ये मोबाइल ले जाओ, प्लस बी की पावर फोर, क्या कॉमन निकला दोस्त? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कॉस की पावर फोर है ना, और इसका इससे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, कॉस की पावर फोर थीटा प्लस अब बताइए इसके आगे क्या होगा? अपन ये जुगाड़ कर सकते हैं कि इस आइटम को लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर एस स्क्वायर। देख लो सही लिखा क्या। अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दें, इन केस तो क्या
देख लेना सही है क्या। नहीं मगर सुंदर नहीं बन रहा है, किसी एक को इस तरफ ले जाऊं फिर स्क्वायर करूं। हाँ फिर कहां पर? अभी ये इसी पोजीशन पे, यहां। हाँ यहां पे स्क्वायर बोलो, वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू, वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू और इस पूरे का मल्टीप्लाई। वन माइनस कॉस टू थीटा अब क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू। हाँ ठीक। अब माइनस हाँ सेम चीज। वाह अब क्या हो जाएगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस यस। गलत मिटा दी है। अब यू स्क्वायर मिनिमम
मिनिमम मतलब ये वन हो जाए, ये वन हो जाए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट वन, और यू ये मैक्सिमम हो जाए। तो अब चूंकि स्क्वायर है तो माइनस वन तो हो नहीं सकता, यदि सिंपल कॉस टू थीटा होता तो अपन इसको माइनस वन लिख देते तो ये प्लस हो जाता। तो ये हो गया जीरो, ठीक। तो P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस P प्लस Q का होल स्क्वायर क्या होता है? हाँ बोलो क्या होता है? 4 पी क्यू 4। तो ये हो गया, और अपन को तो डिफरेंस बताना है ना, प्रश्न क्या था? डिफरेंस ऑफ, तो मैं इसका ब्रैकेट क्यों खोलूं? जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये दोनों तो बुड़म हो गए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, हाँ बल्कि 4। अच्छा घूंघट भी खोल दिया आप लोगों ने, ठीक। तो आंसर, आंसर हमसे बोला था कि इसमें से आप इसको घटा दो, इसमें से, तो इसका तो घूंघट खुल गया, इसका घूंघट खुल गया ना, तो एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहा। तो कल देखो कोई ऑप्शन था क्या ए माइनस बी होल स्क्वायर? मेरे पास आंसर नहीं लिखा, मगर ऑप्शन डी था। लिखो इसको, कल का क्वेश्चन लिख लो दीदी, आप उनको क्वेश्चन दे दो, कल का क्वेश्चन दे दो उनको। कल कोई एब्सेंट था तो वो क्वेश्चन ले लो कल का।
नया क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया। देखिएगा, सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिए। सुनिएगा, इसको तुम मेरी आंखों से देखो, क्या ऐसा लिखा है? क्या सही है? साइन इनवर्स जीरो, साइन हमें जीरो वैल्यू किस एंगल पर देता है? जीरो डिग्री, जीरो डिग्री इंटू टू, जीरो, जीरो प्लस वन। कॉस हमें वन किस एंगल पर देता है? बाप पाई बाई टू, गुप्ता गुप्त ज्ञानी, जीरो कितने पे? तो जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो स्टार बिकम जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, बच्चों की संख्या पूछी है। बच्चों का नाम तो माइनस टू है, बच्चे कितने हुए? एक हुआ, ठीक है ना?
अपना अपना कर। ऊपर वाला मिटा दूं क्या? मैं करूं क्या? क्या आंसर आया किसी का? ओके, और बहुत बढ़िया। और सीधे बैठो, ये टेबल अपनी तरफ खींचो और खींच लो। रीढ़ की हड्डी सीधे रखो। तुम गर्दन हिलाना कम करो, वो भी हिला के जवाब दे रहे हो, नुकसान हो जाएगा। झटके देते हो तुम कंटिन्यूअस गर्दन को, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा, अकेले बैठे हो तो भी। बोलो साहब, बोर्ड पे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है दादा? इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, तो 2 साइन 2x अपॉन क्या हो गया, प्लस ये क्या हो गया, सही लिखा है ना शायद? तो साइन x इसकी औकात माइनस आर से प्लस आर, तो आंसर आ गया। देखना इसका सी आंसर है क्या। आगे बढ़ो,
हो रिया है क्या? क्या आंसर आया? सी सही है क्या? क्या किया भैया ने? हाओ हाँ आइए देखो साहब, सुनिएगा। सही है। तो ये चीज बनी क्या? और ये चीज बनी क्या? तो 10A को लिख सकते हैं √3 स्टार। सही है। साइन ए इंटू टू ऐसा लिख सकता हूं क्या? साइन अपॉन वन लिखा है ना, ऊपर नीचे कॉस का डिवाइड। ऊपर नीचे कॉस का डिवाइड, तो 2 10 a अपॉन 10A कितना है? 1 से भी अपन घूंघट खोल देते हैं। ये √3 कट गया, स्टार भी गया, क्रॉस करके स्क्वायर कर देता हूं, तो 4 ब्रैकेट में चेहरे से हाथ हटाओ, 5 5 माइनस 4 1 हो गया। 5 3 15, 5 4 20, 20 में से 15 गए, तो स्टार कितना पता चला? तो स्टार है 1/√5। इसको यहां लाके पुट कर दिया, तो 10A पता चला,
रूट थ्री अपॉन, और ये पता चला, तो हमसे जो मांगा था वो है साहब रूट थ्री अपॉन रूट फाइव प्लस वन। मेरा मेथड अलग है शायद, लिखो।
कोई सफल हो गया तो फिर सुनिएगा, ध्यान से सुनिए कंसेप्ट। अल्फा और गामा,
सॉरी ये है डेल्टा, अल्फा और डेल्टा, बाकियों को सामने भेज दो। ठीक है, टू साइन अल्फा इसमें से माइनस कॉमन निकल जाएगा तो इसका नाम इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इसका नाम थ्री, इसका नाम फोर। इक्वेशन थ्री का स्क्वायर इक्वेशन फोर का स्क्वायर जोड़ दिया, तो क्या होगा बताइए? फोर कॉस स्क्वायर अल्फा, फोर साइन स्क्वायर अल्फा, फोर कॉमन, चार आ गया, नाइन कॉस स्क्वायर, नाइन साइन स्क्वायर, 81 बाहर, 81 और चार, और ध्यान से सुनना, हिलो मदी, 9 दुनी 18 दुनी 36, नौ दुनी 18 दुनी 36, कॉस अल्फा कॉस गामा माइनस साइन अल्फा, वो सॉरी मैं इसको गामा बोल रहा हूं, डेल्टा है ये, तो ये क्या आंसर आ गया पप्पू? बचा क्या? अब इसको स्क्वायर करेंगे तो मैंने माइनस इसलिए बाहर रखा है कि बुड़म हो गया, तो 36 49 सात छक 42 दूनी 84, और इन दोनों को जोड़ना, बुड़म, तो जो उन्होंने मांगा है m अपॉन n, तो कॉस अल्फा के नीचे बीटा को भेज दिया मैंने, तो 84 12 सत्ते 84 12 तिया 36 आंसर 10 ओनली सुहाग। बिन सुहाग सब सुन। अच्छा सुनो काम की बात, मैंने आज तो व्रत किया है मगर खाने पीने वाला किया है, मतलब फलाहार में ले सकता हूं, तो परसों मैंने किया था पानी वाला, कल किया था बिना पानी बिना खाए कुछ, आज सब कुछ, कल वापस क्या बिना खाए पिए, मतलब पानी भी नहीं, ऐसा अल्टरनेट निर्जला करूंगा मैं, है कि नहीं भाई? कुछ तो करे, अब नरेंद्र मोदी इतना कर रहे हैं, अपन भी कुछ करो, है कि नहीं? लिखो सर,
ये आखिरी करवा दूं। नहीं, पैदल जाऊंगा। तो उठियो पेलो को आमनी हारे पैदल होया जैसे हाई ना। बोलो क्या कहता है दिल। देखना साहब, एक तो आप लगा सकते हो शॉर्ट ट्रिक, इस क्वाड्रेंट में रहना है तो इस क्वाड्रेंट में -135 डिग्री पे काम कर लो, बस वैल्यू पुट कर दो तो जो आंसर आएगा वो किससे मैच हो रहा है, बात खत्म हो गई। तो ये है मेथड वन।
इसका लेसियम ले लिया, इस क्वाड्रेंट में sec थीटा खुद नेगेटिव है तो बुरखे के अंदर नेगेटिव मतलब नालायक छोरी है, फ्रांस घूमने जाना है तो इसका बुरखा खोलने के पहले लगे डंडा। तो -2 sec थीटा किस किस का आ गया था, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का अभी तक का सबसे सरल क्वेश्चन है। लिखो साहब, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है अपन 4 दिन पढ़े, क्योंकि 2 दिन छोटी छोटी क्लास लगी, ठीक है ना, नहीं तो उसके कम क्वेश्चन हो पाएंगे फिर। और अपन ने उधर बचत करी थी, कहाँ, इलिप्स में बचत करी थी, हाइपरबोला में 3 दिन पढ़े थे, तो वो कंपेयर हो जाएगा शायद।
बोलो साहब, हो गया क्या? क्या आया? डॉग? डॉग किस किस का आया? क्या बात कर रहे हो बे, इतने सारों से बन गया? बताइयो। और तुमसे नहीं बना, जिसने आज के पहले क्वेश्चन मतलब कि कल के होमवर्क क्वेश्चन में मदद करी। वाह, हेलो, ये क्या लिखा है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है, वो थर्ड क्वाड्रेंट था। ए इज इक्वल टू बी, ये भी अभी तक के सरल की लिस्ट में। दिखाने का डरावना था, और मैंने तुम्हें बोला ही है, जितना बड़ा मतलब खोखला, क्या जितना बड़ा मतलब खोखला। दीदी आज की क्लास अटेंड करना, उधर क्वाड्रेटिक चालू कर रहा हूं, है ना?
गर्दन सीधी रखने की कोशिश करो, आंखें भले झुका के पढ़ो, गर्दन कम झुकाया करो। तुमसे बन गया, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो? नहीं हो? अच्छा हो। क्या आंसर आया भैया का? क्या बात कर रहे हो बे, कितने लोगों का आंसर 5/4 आया? वाह यार, लख लख बधाई हो। पेन छोड़ो, ये भी सरल कैटेगरी का। मुझे बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई बाई जेड है 3/6 यानी 1/2। टेन बीटा के लिए ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस जो कि है 2/6 1/3, और मैंने लिख भी दिया कि अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन 1 - टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक, आज की क्लास रोकते हैं अपन। आप लोग उस बिल्डिंग पहुंचो, कुछ न्यू स्टूडेंट हैं उनको साथ लेके जाओ, गर्ल्स है इसलिए आप लेके जाइएगा, ठीक है? और वहां पहुंचने के बाद आप टिफिन खोलो अपना, जिससे कि मैं ये कैमरा कॉपी कर सकूं, और फिर मैं आ रहा हूं। ठीक, क्वाड्रेटिक चालू कर रहा हूं। डन, थैंक यू।